चाइना के अमीर लोग किसी दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, चाइना में एक ऐसी भी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप गर्लफ्रेंड उधार पर ले सकते हैं। एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड उधार लेने का रेट 2000 रुपए है। फैक्ट नंबर 3, चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर चीन की पूरी आबादी लाइन लगाकर आपके सामने से निकले तो वो लाइन आपके मरने तक भी खत्म नहीं होगी। फैक्ट नंबर 4, आंकड़ों के अनुसार दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी लौटकर वापस नहीं आए। फैक्ट नंबर 5, चाइना के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वो बदसूरत थी और उसने ये केस जीत भी लिया। दरअसल पति का दावा था कि पत्नी की बदसूरती के कारण उसके बच्चे भी बदसूरत हो गए, और क्योंकि शादी से पहले उस शख्स की पत्नी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, इसलिए इस बात का उस शख्स को कभी पता नहीं चला। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप जानते हैं कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।